फाइनली आ गई है ट्रेन। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, 5:30 बजे का टाइम दिया था बट मैं उठा 8 बजे। 9:13 ऊपर से ऐसे नजारा, मौसम अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट कर दी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीके व्लॉग। करेंटली मैं हूं अभी पटियाला के रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि आज हमारी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। हम जाने वाले हैं ऋषिकेश और फिर वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी अपने ट्रैक के लिए, जिसका नाम है कुवारी पास। 9 बजे का टाइम था ट्रेन के आने का, 9:10 बज चुके हैं बट अभी तक पटरियाँ खाली है। छोटा सा रेलवे स्टेशन है ये, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2, 3। फाइनली आ गई है ट्रेन। सो गाइज, मैं पहुंच गया हूँ ऋषिकेश में। हल्की हल्की हवा चल रही है, ठंड ज़्यादा नहीं है इस बार। इफ़ यू कैन सी, वहाँ पे हो रही है आरती और ये शिव जी की बड़ी मूर्ति। लास्ट ईयर में गया था, उसके वीडियोस है ऑलरेडी अपलोडेड। दिस इज़ द होटल ब्लू जे, जहाँ पे मैं रुका हूँ। और अंदर से रूम कुछ ऐसे ही दिखते हैं। वहाँ पे वॉशरूम है, ये एंट्री है। गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। 5:30 बजे का टाइम दिया था इंडिया एक्स वालों ने बट मैं उठा 8 बजे, और अब देखते हैं कैसे जाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। आज 1 जनवरी है और जैसे कि मैंने बताया, हम कुवारी पास के लिए जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। रात में मैसेज आया था ग्रुप वालों का, ट्रैक वालों का, कि 5:30 बजे पिकअप होगा और मैंने उस मैसेज को ओवरलुक कर दिया, जिसके वजह से पूरा ध्यान मेरा पार्टी में रहा, कहाँ पार्टी करनी है, क्या करना है। और रात भर 3 बजे तक पार्टी की। फिर मैंने ऐसी मन में सोच लिया कि पिकअप होगा तो अराउंड 9 बजे के आसपास होगा, और रात को फिर 3 बजे मैं 8 बजे का अलार्म लगा के सो गया। सुबह 8 बजे उठा तब होश आया कि भाई कि मैंने मिस कर दिया है, शायद ट्रैक नहीं कर पाऊँगा। फिर कॉल किए इधर उधर, बहुत लोगों से बातें किए, तो मुझे एक दूसरा कैब मिला है, वहाँ बैठा हूँ। देखते हैं अभी पहुँचते हैं कि नहीं टाइम पर। सो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अभी इंडिया हाइक्स के बेस कैंप पे। कुछ ऐसा दिखता है, ब्रीफिंग का कॉल आ गया और ये हमारे रहने की जगह है। 3 रूम्स है, यहाँ सब रेंटल का सामान। रेंटल का सामान लेते हुए वो है ब्रीफिंग का रूम, जहाँ पे सबका मेडिकल चेकअप हुआ है। इधर वॉशरूम वगैरह है और ये हमारा सबसे पहला बेस कैंप, कारची कैंपस इंडिया एक का। लेट्स सी द रूम्स, ऐसे रूम्स हैं यहाँ के। चलिए चलिए चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 7 बज चुके हैं और कुछ ऐसा नज़ारा है, देख सकते हैं स्नो कवर्ड माउंटेन्स। पूरा एरिया पहाड़ों से घिरा हुआ है और ये हमारा बेस कैंप, जहाँ पे अभी सबका वाइटल्स चेक हो रहा है। गर्मा गर्म चाय मिली है, अभी थोड़ी देर में कुछ नाश्ता करेंगे, फिर 8:30 बजे ब्रीफिंग होगी और फिर 9 बजे हम यहाँ से निकल लेंगे हमारे नेक्स्ट कैंप के लिए। Okay, what time is it now? 9:13. What time are we supposed to leave? 9 o'clock. Why are we late? First day. First day?
not preparedness. First day of the snowfall and we can't go up there because of this 10 minutes delay. What do we do? We'll go back to Kachi, sorry. Rishikesh? Yes. Is that okay? No. Can we all go back to Rishikesh then? I'll also come with you guys. Yahan pe do lock bane hue hain. Lock number 1, lock number 2. Theek hai? आपको एक ही लॉक नहीं खोलना है हर बार. कई लोग ऐसे होते हैं कि एक लॉक को पूरा खोल देते हैं. ट्रैक पोल की लेंथ तो उतनी हो जाती है पर ये टूट सकता है. सो यू जस्ट हैव टू लिफ्ट दिस एंड पुट इट ऑन योर थाई एंड दैट वे योर वेट गेट्स इजीली डिस्ट्रीब्यूट ऑन टू योर लेग्स. हैव दिस काइंड ऑफ अ पोस्चर देन पुट योर आर्म इन स्लिप इट इन एंड देन वन शोल्डर इज आउट एंड नाउ यू कैन फाइंड योर अदर स्ट्रैप एंड देन वेयर दैट राइट. नाउ we have this thing, this is your waist strap or your hip strap. So you just buckle this on first and hold on little bit, just propel it up or push it up and then tighten this. So most of the weight should come onto your waist and not your shoulders. If it comes more on your shoulders, then you'll get shoulder aches and then later you'll have back aches as well, right? Once that is done, you have your shoulder straps. Pull these securely so that they're nice and comfortable. ये वाला first knot सभी बांधते हैं. एक और बांध लेना है, ठीक है? Double. ये आपका first step होगा. So second step, आपके ये side पे जो loop है, इसको butterfly बना देना है side से इस तरीके से. और इसको क्या करना है? Same वही, एक first knot बांधना है, फिर एक और double knot बांध देना है और पूरा खींच देना है. सो गाइज, अभी हमारी हाइट है अराउंड 8000 फीट और अभी से स्नो थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है. नेक्स्ट हमारा कैंप रहेगा अक्रोड गेटा. जब धूप आती है तो थोड़ी गर्मी हो जाती है, छाव आ जाती है, फिर से ठंड लगने लग जाती है, तो अप्रोप्रिएटली यार पहन के चलना बेटर है. आधा घंटा हो गया है हमें निकलते हुए और यहाँ से ऐसा नज़ारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल फॉरेस्ट सेक्शन है एंड ऊपर से ऐसा ही नज़ारा. वाह, मिली ऑसम. हमें जाना है इस तरफ ऊपर की ओर. सो गाइज, अभी बहुत बढ़िया रामायण की स्टोरी हमने सुनी और अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट कर दी है. हम लोग अराउंड 24 लोग हैं जो ट्रैकर्स हैं, बाकी दो गाइड्स हैं, ट्रैक लीडर है. ऑलमोस्ट 12-15 हो गए हैं और हम काफ़ी रेस्ट लेते हुए जा रहे हैं ऊपर धीरे धीरे. थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ बेस कैंप तक कैसे पहुँचा जाता है. तो ऋषिकेश तक आपको आना पड़ेगा और वहाँ से आपको बस या फिर टैक्सी कैब्स वगैरह उसके थ्रू कच्ची आना पड़ेगा. करची का डिस्टेंस होगा ऋषिकेश से अराउंड 260 किलोमीटर्स और वहाँ आपको लग जाएगा कम से कम 9 to 10 आवर्स. करची में एक बार पहुँच गए फिर वहाँ से आपको नाइट में हॉल्ट करना पड़ेगा और नेक्स्ट डे आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी. गाइस 9:30 बजे निकले थे और अभी 12:30 बज रहा है और हम ऑलमोस्ट पहुंच गए अपने कैंप पे. पीछे ऐसा व्यू है और आजू बाजू पूरे पहाड़ी पहाड़ हैं. कुछ कुछ पहाड़ स्नो से कवर्ड है और ये अपने पाइन ट्रीज वगैरह. ऑसम लुक. ये रहा हमारा पहला कैंप बेस कैंप के ऊपर. इसका नाम है अक्रोड घेटा, 10,000 फीट की ऊंचाई पर. तो इस कैंप का नाम अक्रोड घेटा इसलिए रखा है क्योंकि ये अक्रोड का पेड़ है जो कि अकेला यहाँ खड़ा है. तो इसी के ऊपर हम इस कैंप का नाम रखा है अक्रोड घेटा. ये हमारे टेंट्स रहने वाले हैं, वहाँ पे टॉयलेट, वॉशरूम, बाथरूम और ये हमारे ट्रैकर्स. अक्रोड घेटा पहुंचने के लिए ज़्यादा समय हमें लगा नहीं क्योंकि ये बस 3 किलोमीटर का ही है, नॉट इवन 3 किलोमीटर. तो बहुत इजीली आ गए आराम से रेस्ट कर कर गए. सो गाइस, अभी हम कूल डाउन कर रहे हैं.
muscles are all compressing. So it needs blood to flow easily, and otherwise you'll start having cramps at night. And then the next day is going to be cold also. So you need to cool down your body gradually. At the same time, you need to warm up your body gradually also. Yeah. So these are some of the reasons why we cool down. Great. Our kitchen tent. Please don't disturb them too much. You can go and talk to them and all once in a while, but make sure that they are comfortable while they are doing that. So there are some rules and regulations, or rather like something which will give you guys comfort not to do on the tents. Don't put anything on top of the tents, socks, clothes, water bottles, things like that. Okay. And always use both the zips to close it. While opening it also, make sure that this thing, you're using both your hands, especially during the night because it does get cold. So you just open this, and there is a front side to a tent and there is a back side to a tent. So if you can identify it quite easily, the front side, this sheet, you see this loop over here, it's not fixed to the ground. Whereas the back side, this is fixed to the ground. Okay? And you can open this, and you can open both sides as well if you want. Since it's nice and sunny outside, you can roll this up and put this behind on top of this tent. Only this thing goes on top, nothing else goes. Okay? We have two zips over here. So basically, one is to open the tent ka door. Let's call it a door. And then we have two sleeping bags each. I'll let you know how to use them later. But when you're putting your bag inside, make sure you put the bag on the floor and it doesn't rest on the walls. Okay, because that will collapse the tent and then it's going to be a huge headache. Right? So there is a screen also which you can open. So the other zip is for that. But it's from the inside. Okay? Basically, this screen opens up and you can view from inside as well. So, but wind doesn't go in. At least not so much. Please use only toilet papers here. Do not use your wet wipes. They do not decompose. And we reuse these holes after a few months. And the toilet paper decomposes because it's paper, whereas the wet wipes do not decompose. And nobody really wants to segregate their wet wipes. Right? Basically, there are four categories in terms of segregation and recycling. One is completely recyclables, like your glass bottles, your PET bottles, and you have your paper, clean paper, cardboard, those things are, and steel or metal spoons, things like that, which you find everywhere, can be recycled easily. The only requirement is that it should be clean. Otherwise, I mean, if it's too spoiled, or let's say there's too much of muck or mud deposited on it, then they're going to use a lot of water to clean it. So at that point of time, it doesn't make sense, right? Then comes Tetra Packs. So Tetra Packs have multiple layers. They have an aluminium foil, they have plastic, and they have paper as well. So we have Tetra Packs separately, and there's a different way to recycle that. And there is something called as non-recyclables. Basically, use and throw plastics. You have your chips packet, your protein bar packet. Again, the same terms and conditions follow, where it shouldn't be too spoiled. If it is too spoiled, then you have to put it under landfill. So the idea behind segregation is that you reduce the amount of things that are going into landfill. So the more the landfill, the more the problems are. Then, I mean, it's an issue for us only. It's not for the environment actually. The earth will still be here. It's been here for 4 billion years. So it has no worries about plastic, thermocol and all that nonsense, right? It's for us and for the people who are living here and for the species and the flora, fauna basically. Thodi snow hai yahan pe. Samne bade bade mountains. और यहाँ जंगल और ये कुछ पक्षी चिल्लाते हुए. आई होप कोई जानवर ना हो यहाँ. ह्यूज ट्रीज. शांति शांति. जैसे जैसे सन नीचे जा रहा है, ठंडी बढ़ती जा रही है. मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए, एकदम ठंडे ठंडे हो गए हाथ. बस थोड़ा चलते रहना, से गर्मी आ जाती है. चलो देखते हैं बाकी मेंबर्स क्या कर रहे हैं. 4 बजे बोला था टेंट में सब मीटअप होगा, थोड़ा नाश्ता वास्ता और करेंगे. डोंट वेयर योर डाउन जैकेट और पैरेट जैकेट. या कितनी लेयरिंग होनी चाहिए? लेयरिंग कुछ भी करो पर जैकेट मत पहनो. हां
क्या करना है, जो आपने ऐसा बिस्तर बनाया हुआ है अपना, उसमें ऐसे बैठ जाओ, ओके, प्रॉपर डाउन तक, ठीक है, इसको ऐसे लाओ, इसको ऐसे पकड़ो, और बस इसमें इजी हो जाएगा क्योंकि आपको फिर एक के अंदर एक नहीं घुसना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना है, हमेशा बॉटम टच करना है, ऐसा क्यों? एयर होने से ठंडा लगता है बाद में। हाँ, सही बात। एक रोप भी दी रहती है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने नोज अनुसार या फेस अनुसार, जो भी आपको बाहर रखना है, पर बाहर रखना नोज नोज तो रखना ही है बाहर, पर फेस देख लेना, ठीक है, को प्रॉपर बंद करो और मस्त सो जाओ, ठीक है।